हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सिंग ऑटोडॉक्स। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ स्कोडा की तरफ से आने वाली स्कोडा स्लाविया। ये बहुत ही अमेजिंग गाड़ी होने वाली है, क्योंकि ये आती है 1 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ में 115 पीएस की पावर प्रोड्यूस करती है और 178 Nm का टॉर्क इसमें देखने को मिलता है। सबसे अमेजिंग चीज़ें कुछ कुछ आपको देखने को मिलती हैं इसके DRLs, और बहुत ही शानदार सी ग्रिल देखने को मिल जाती है जो कि पूरी की पूरी क्रोम फिनिश के साथ में आती है। बीच में आपको रेडिएटर के लिए स्पेसिंग मिल जाती है, वो बात अलग है, पर दूसरा मिल जाती है इसमें बैजिंग। इसमें आपको क्रोम की बैजिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। नीचे आपको लिप बहुत ही शानदार सा देखने को मिल जाता है नंबर प्लेट की स्पेसिंग के साथ में। प्रोजेक्टर हेडलैम्प, फॉग लैम्प, और यहाँ पे एक इंडिकेटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाता है जो कि हेलोजन आपको देखने को मिलता है। इस तरीके की DRLs वगैरह सेटअप देखने को मिल जाती है। साइड फेंडर पे आपको किसी भी तरह की क्लेडिंग वगैरह नहीं दी जाती। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार से टायर दे दिए जाते हैं, जिसकी प्रोफाइल 205/55R16 के देखने को मिल जाते हैं। डुअल टोन में यहाँ पे आपको अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और पीछे कोई भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलता है, ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। स्कोडा की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ORVM की अगर बात करूँ तो इसी में आपको टर्न इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ORVM में एक चीज़ अच्छी मिल जाती है, वो जो कि ये ऑप्शन। इस ऑप्शन की वजह से आपको पता पड़ जाता है कि टर्न इंडिकेटर्स अगर आप ब्लिंक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। कोई भी आपको जो क्रोम की गार्निश है वो आपको विंडो लाइन में टॉप फ्रॉम फ्रंट टू बैक तक आपको प्रोफाइल वगैरह देखने मिल जाती है। क्रोम की गार्निश आपको डोर हैंडल पे देखने मिल जाती है। आइदर साइड आपके सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं, बट उससे पहले टेल गेट, टेल एक्सिस की बात करूं तो बहुत ही शानदार सा टेल एक्सिस देखने को मिल जाता है। स्कोडा की बैजिंग के साथ में स्लाविया की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और नंबर प्लेट की बैजिंग, यहां नंबर प्लेट की स्पेसिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। स्प्लिटेड टेल लैंप आपको देखने को मिलती है, क्योंकि टेल गेट में भी आपको यहां पे स्प्लिटेड टेल लैंप दे रखी है, टेल गेट के साथ में माउंटेड, और बैक फेंडर में जो भी आपको बैक साइड फेंडर जो है उसमें भी आपको माउंटेड टेल लैंप देखने को मिल जाती है। हेलोजन लाइट देखने को मिलती है, प्लस इंडिकेटर भी हेलोजन ही आपको देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जो लाइट है बहुत ही शानदार से देखने को मिल जाती है। इस लाइट को बेसिकली स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग वगैरह बोला जाता है। पीछे आपको क्रोम की गार्निश देखने को मिल जाती है, और 3 पार्किंग सेंसर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे प्लेसमेंट कर रखा है। तो रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है लाइट के साथ में। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं तकरीबन 170 के आसपास mm की, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह आपको देखने को इसमें मिल जाती है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है। और रिफ्लेक्टर की बात करता हूँ तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर तो नीचे दे रखा है, बट स्टॉप लैंप यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। किसी भी तरीके का वाइपर सेटअप इसमें देखने को नहीं मिलता है। TSI है, तो पावर्ड बाय TSI आपको ऊपर देखने को मिल जाता है। डिफॉगर वगैरह प्रोवाइड इसमें किए गए हैं। तो इतना अच्छा अमेजिंग से सेटअप आपको आउटर प्रोफाइल में देखने को मिल जाता है स्कोडा सुपर्ब का 1.0 पेट्रोल इंजन के साथ में। इसके बाद हम अंदर चल के बात करते हैं तो कैसा आपको सेटअप इसमें देखने को मिलता है। तो गाइस, अंदर चलने से पहले मैं इसकी की बता देता हूँ। तो की आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है। अगर इसको ओपन करता हूँ तो इस तरीके से ही ओपन हो जाती है। तो ये ऐसी कुछ अमेजिंग सी की देखने को मिल जाती है, बहुत बेसिक टाइप की है। सेंसर ब्लिंक भी करते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो देखो रेड कलर का सेंसर ब्लिंक करता है, और इससे मैं टेल गेट को ओपन कर सकता हूँ। तो अगर मैंने ओपन किया तो पीछे आप देख रहे हो टेल गेट ओपन हो गया। तो इस तरीके से टेल गेट ओपन हो जाता है, और अनलॉक की क्लिक करता हूँ तो ORVM अनफोल्ड हो जाते हैं, देख रहे हो। तो इस तरह के कुछ की फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बूट स्पेस दिखा देता हूँ कितना शानदार सा मिलता है। तो इतना बड़ा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, 500 लीटर का बूट स्पेस इसमें आता है, और बहुत ही बड़ा बूट स्पेस है। और अगर मैं इसके अंदर चलता हूँ तो पहले बैक रेयर सीट की बता देता हूँ। तो बहुत ही अमेजिंग सी प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है। गौर मत कीजिएगा कि इसमें बॉर्डर रखी है नहीं रखी है। ट्विटर का प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। स्पीकर्स वगैरह इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। डुअल टोन का गेट प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाती है। स्प्लिटेड मिरर देखने को मिल जाता है। जब मैं अंदर की बात करता हूँ तो अंदर आपको यहाँ पे एक डुअल प्रोफाइल देखने को मिलती है। बेसिकली लेदरेट सीट देखने को मिल जाती है, वेंटिलेटेड सीट इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तीनों ही पैसेंजर के लिए यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है, आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, और AC वेंट कुछ इस तरह मिल जाते हैं। टाइप सी पोर्ट वगैरह इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। ये जो टाइप सी पोर्ट वगैरह है चार्जिंग के लिए ऑप्शन दे रहे हैं, AC वेंट वगैरह दिए गए हैं। सबसे अमेजिंग चीज बात करता हूँ ना इस गाड़ी की, कि यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट रखने के लिए तो जगह दी गई है, बस मोबाइल का प्लेसमेंट ही आप इसमें बहुत अमेजिंग तरीके से कर सकते हो। तो इसमें आप मोबाइल का प्लेसमेंट भी कर सकते हो। ड्राइवर सीट पे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह दिए गए हैं। ऊपर आपको सनरूफ का ऑप्शन देखने मिल जाता है। कैबिन की जो रूफ है ऑलमोस्ट व्हाइट देखने मिल जाती है। साइड कर्टेन एयरबैग्स और ड्राइवर एयरबैग्स भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। चलते हैं इसके आप फ्रंट डोर की तरफ में, बेसिकली ड्राइवर डोर के पास में चलते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ग्लॉसी ब्लैक का फिनिश देखने को मिल जाता है,
और यहाँ पे आपको बहुत ही स्मूथ डोर हैंडल देखने को मिलता है जो कि अमेजिंग है। विंडो कंट्रोल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, ये जो है आपको विंडो कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे एक शानदार सी प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाती है डोर की, जो कि एक रिफ्लेक्टर के साथ में दी गई है, ताकि कभी भी डोर आप इमरजेंसी में ओपन करते हैं या किसी भी तरीके से ओपन करते हैं तो ये रिफ्लेक्टर आपको कंपनी फिटेड देखने को मिल जाते हैं। सीट की अगर हम बात करते हैं तो रिक्लाइन डिक्लाइन के दोनों ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं इसकी इंटीरियर की, तो गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कितना शानदार सा आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है। ये एक अमेजिंग सा इंटीरियर इसमें प्रोवाइड किया गया है, लेदर्ड फिनिश के साथ में स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही शानदार है। कुछ कुछ कंट्रोल्स की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे वाइपर कंट्रोल राइट साइड में इसके कंट्रोल दिए जाते हैं वाइपर के, और लेफ्ट साइड में जो कंट्रोल दिए जाते हैं वो लाइट के दिए जाते हैं। क्रोम की फिनिश के साथ में ये जो आपको एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है ये वर्किंग मिलते हैं, आप स्क्रोल डाउन वगैरह अप भी कर रहे कर सकते हो, वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, तो क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश इसमें देखने को मिलती है, स्कोडा की बैचिंग के साथ में एयरबैग्स भी दिया गया है और हॉर्न का ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है। गियरबॉक्स की अगर बात करता हूं तो यहां पे आपको मैनुअल ऑटोमेटिक में ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है, और इस तरीके का कुछ इसमें हैंड ब्रेक प्रोवाइड कराया गया है। 12 वोल्ट की पावर सॉकेट इसमें प्रोवाइड की गई है ताकि आप इसमें चार्जिंग वगैरह कर सकते हो। कप होल्डर की स्पेसिंग दी जाती है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और सबसे शानदार चीज जो मेरे को लगती है ना, एसी वगैरह चालू वगैरह करने के लिए या फैन की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए इसमें आपको बटन नहीं दिए गए हैं, बस आपको स्लाइडर को स्लाइड करना है, स्लाइडर बेसिकली उंगली से स्लाइड करना है इस तरीके से, तो वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट चीज जो आपको इसमें देखने को मिल जाती है, हजार्ड लाइट वगैरह देखने को मिल जाती है, एक शानदार सी डिस्प्ले वगैरह देखने को मिलती है, बहुत ही बड़ी डिस्प्ले है, बहुत ही बड़ी तो नहीं बोलूंगा, मतलब 7 इंच की आपको डिस्प्ले इसमें देखने को मिल जाती है। वायरलेस आपको इसमें कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले की। और डैशबोर्ड की बात करो तो एम्बियंस लाइट के साथ में डैशबोर्ड आता है और ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ में, और एक गोल्डन टच दिया गया है। ग्लव बॉक्स की बात करूं तो एक नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स इसमें प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको अराउंड जो टेम्परेचर कंट्रोल आपको ग्लव बॉक्स देखने मिल जाता है, ऊपर से आप टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, तो इस तरीके का आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। ओवरऑल प्रोवाइडेड डिस्प्ले इसमें देखने मिल जाती है, और डिस्प्ले की बात करूं तो आपको मैं डिस्प्ले दिखाता हूं किस तरीके से इसमें ऑन होती है। तो ये कि जब मैं की इंसर्शन नहीं है, स्टार्ट स्टॉप का बटन इसमें दिया गया है, तो स्टार्ट स्टॉप के बटन यहां पे देखने मिल जाता है, जब मैं इसको स्टार्ट करता हूं तो इस तरीके का प्रोफाइल देखने मिलता है। तो ऑटोमेटिकली अभी मैं अंदर हूं, तो अब मैं बताता हूँ, इतना शानदार सा आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिल जाता है जो कि फुल्ली डिजिटल होने वाला है, किसी भी तरीके का इसमें एनालॉग या मैं बोलूँ मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलने वाला है। एसी के कंट्रोल वगैरह इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही शानदार सी अमेजिंग सी प्रोफाइल देखने मिलती है। साइड मिरर डिफॉगर वगैरह देखने मिल जाता है, स्कोडा की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये है स्कोडा की बैजिंग जो कि शानदार है। और यहाँ पे आपको जिस तरीके से मैंने यहाँ पे की रख दी है, ऐसे ही यहाँ पे स्पेसिंग देखने मिल जाती है। ऊपर में आपको IRVM का सेटअप दिया गया है, तो यहाँ पे आप IRVM वगैरह भी देखने को मिल जाता है। सनरूफ का एक्सेस करने के लिए आपको कंट्रोल्स यहीं पे दिए गए हैं, और यहाँ पे मिल जाती है डिस्प्ले बहुत ही अमेजिंग सी। मेन्यू वगैरह की बात करता हूं तो इस तरीके से आपको मेन्यू देखने को मिल जाते हैं, स्मार्ट लिंक वगैरह देखने को मिलते हैं, स्मार्ट लिंक एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले वगैरह मिरर वगैरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। मीडिया पे मैं जाता हूं तो ये अभी अवेलेबल नहीं है, एप्स पे जाता हूं तो इस तरीके से एप्स पे जा सकता हूं। मेन्यू की बात करता हूं तो वापस मेन्यू पे जाते हैं, रेडियो टेलीफोन साउंड सेटिंग वगैरह मीडिया व्हीकल वगैरह के देखने को ऑप्शन मिल जाते हैं। सेटिंग में डायरेक्ट क्लिक करता हूं तो सेटिंग में क्या मिल जाता है, स्क्रीन की सेटिंग में कर सकता हूं टर्न ऑन सेवर 10 सेकंड, मतलब टर्न ऑन स्क्रीन सेवर वगैरह भी, ब्राइटनेस कर सकता हूं मैं यहां पे, शो क्लॉक, टच स्क्रीन टोन वगैरह, मेन्यू बटन टोन, मैं सारी चीजें यहां से चेंज कर सकता हूं। ये सारे ऑप्शन मेरे को इसमें प्रोवाइड किए हैं। फेदर टच डिस्प्ले देखने मिल जाती है, टाइम डेट लैंग्वेज की मोड यूनिट ब्लूटूथ फैक्ट्री रीसेटिंग वगैरह, ये सारे के सारे आपको कॉन्फ़िगरेबल प्रोवाइड किए गए हैं। मेन्यू पे दोबारा चलते हैं, बाकी के साउंड वगैरह भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि अलग अलग आपको कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं। मेन्यू पे दोबारा पे जाने के बाद व्हीकल कंट्रोल्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पे व्हीकल की जो मैं रेंज माइलेज वगैरह सारी चीज और कितना चल सकती है वो भी मैं एफिशिएंसी देख सकता हूँ। टेम्परेचर मेरे को ऊपर दिखाता है, और यहाँ पे सिंस स्टार्ट लॉन्ग टर्म वगैरह में कितना चल चुकी है कितना नहीं चल चुकी है, मैं वो सारी सिंस रिफ्यूलिंग कितना है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस मेरे को बेसिकली देखने को मिल जाते हैं गाड़ी के बारे में। अब मैं बात करता हूँ इसकी सेटिंग की, तो यहाँ पे आपको TPMS देखने को मिल जाता है, और इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल कंट्रोल का प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाता है। ESC भी बोलते हैं, ESP भी बोलता है, कोई प्रोग्राम बोलता है, कोई कंट्रोल भी बोलता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाता है, लाइट सिस्टम मिल जाता है, जैसे एम्बियंट लाइट है ना जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, वो लाइट का सिस्टम देखने को मिलता है, फ्रंट एम्बियंट लाइट। तो मैं इसको क्लिक करके और मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूँ, तो बेसिकली मैं अगर इसको स्टार्ट कर दूँ तो
इस तरीके से स्टार्ट करने पे इसकी एम्बिएंट वगैरह भी ऑन हो जाती है, तो मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ बेसिकली, अभी ज़रूरत नहीं है, है ना, तो मैंने बंद कर दिया है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल, हेल होल्ड असिस्ट वगैरह के सारे ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलते हैं, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इस तरीके का आपको पूरा का पूरा गियर नॉब वगैरह देखने को मिलता है। वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन इसमें दिया जाता है। ऑटोमेटिक जो ट्रैफिक कंट्रोल की लाइट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ऑन ऑफ कर सकता हूँ, और लॉक वगैरह भी मैं सारे डोर वगैरह यहीं से लॉक कर सकता हूँ, वो ऑप्शन दिए गए हैं। एसी के कंट्रोल्स ओवरऑल ऑब्वियसली बात है सेंटर में दिए जाते हैं, तो सेंटर में दिए गए, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। डिस्प्ले को स्विच ऑफ वगैरह भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, और मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले एक डिजिटल स्क्रीन वगैरह देखने मिल जाएगी टाइमिंग के साथ में और डेट के साथ में। फोन के कंट्रोल्स वगैरह अगर फोन क्लिक करता हूँ तो मैं, क्योंकि ऑफ कर दी है तो एक और बार ऑन कर लेता हूँ, फोन पे जाता हूँ तो इस तरीके की आपको चीजें देखने मिल जाएगी। कार के ऑप्शंस मेरे को यहाँ पे वापस देखने मिल जाते हैं, एप्स वगैरह के कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। तो गाइज अब मैं चलता हूँ इसके बाहर की तरफ में, क्योंकि ओवरऑल प्रोफाइल में शायद बता चुका हूँ, कुछ और एक्स्ट्रा बचा नहीं है। हेडलाइट के कंट्रोल्स यहाँ देखने मिल जाते हैं, और की वगैरह कुछ भी रखना हो, मतलब कि यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस, जैसे कि मैं बोलूँगी यहाँ पे आपके चिल्लर रखना हो तो यहाँ पे आप रख सकते हो, तो इसका ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। तो गाइज अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो अगेन जब मैं बाहर निकलता हूँ तो यहाँ पे बहुत ही शानदार सा एक पैनल तो मिलता ही था, जो कि अमेजिंग सी गाड़ी है, सनरूफ भी बहुत अमेजिंग देखने को मिल जाती है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।